Hello, students. Myself Dr. Ashish Srivastav, and uh, today we will discuss a very important topic of human reproduction, that is implantation. आज के इस लेक्चर में मैं आपसे इम्प्लांटेशन पर डिस्कस करूंगा और इम्प्लांटेशन में हम क्या स्टडी करेंगे इसकी एक समरी सबसे पहले जान लेते हैं अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है और जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करते हैं तो आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला इवेंट होता है गैमिटोजेनेसिस जिसमें कि मेल और फीमेल अपने गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस उसके बाद हमने देखा कि जो गैमिट्स बनते हैं मेल और फीमेल में उनका फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के ओविडक्ट में एम्पूला रीजन में तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी हमें एकदम क्लियर है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो इम्प्लांटेशन है तो रिप्रोडक्टिव इवेंट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं कि जाइगोट बन जाता है और जाइगोड जो है वो आगे चलकर अपने कुछ क्लीवेज डिवीज़न कंप्लीट करता है ओवीडक्ट में से मूव करता हुआ और जब वो ओवीडक्ट से मूव करता हुआ अपने क्लीवेज डिवीजन को कंप्लीट करता है और फाइनली वो डिसेंड होकर जब यूट्रस में जाता है तो वहाँ पर हम उस स्टेज को एम्ब्रियो की मोरूला कहते हैं जो हम समझेंगे आज के लेक्चर में एंड फाइनली द मॉरियूला गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट ही लिटरली वो स्ट्रक्चर है यानी कि एम्ब्रियो किस फॉर्म में होता है जब वो इम्प्लांटेड होता है तो आप कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट तो ब्लास्टोसिस्ट ही वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली मदर के यूट्राइन वॉल से अटैच होता है और इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन तो फाइनली इम्प्लान्टशन की जो एक जर्नी है उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं इम्प्लांटेशन की जर्नी में हम मेनली देखते हैं कि फर्टिलाइज ओवम यानी जाइगोट अपने क्लीवेज डिविजन करके मॉर्यूला बनाता है मॉर्यूला क्या है हम जानेंगे एंड फाइनली मॉर्यूला जो भी है वो ट्रांस फॉर्म्ड होता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मदर के यूट्राइन वॉल पर एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो इस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से एम्बेडेड कर लेती है या कवर्ड कर लेती है और यहीं पर ये यह टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है तो इस पूरे स्टेप्स को इन पूरे स्टेप्स को समझने के लिए अब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टडी स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन की तो सबसे पहले आप जान लीजिए इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में क्या होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होती है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो आप कहेंगे zygote. जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा जो स्ट्रक्चर हमें ऑप्टेन होगा वो होगा जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप फर्टिलाइज ओवम को ही क्या कह रहे हैं जाइगोट ओके और जाइगोट जैसे ही फीमेल में बनता है वो अपने कुछ स्पेसिफिक माइटोटिक डिवीजन को स्टार्ट करता है जो माइटोटिक डिवीजन जाइगोट कर रहा है वो एक नॉर्मल माइटोसिस नहीं है बल्कि उस माइटोसिस डिवीजन को हम यहाँ पर क्लीवेज कहते हैं और क्लीवेज का अपना एक कंसेप्ट होता है देखिए माइटोसिस और क्लीवेज में एक डिफरेंस है आप जनरली ऐसे माइटोसिस डिवीजन को क्लीवेज कह सकते हैं जिसमें कि एक सेल जो है जाइकोट या कोई भी एक सेल जिससे कि दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उन सेल्स के बनने पर आप देखेंगे कि साइटोप्लाजमिक कंटेंट जो है वो पेरेंट के कॉम्पेरिजन में क्या होता जाएगा रिड्यूस मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई माइटोटिक डिवीजन को आप क्लीवेज बोलेंगे तो इसके पीछे का जो तर्क होगा जो कंसेप्ट होगा वो ये होगा कि पेरेंटल सेल इंटरफेस बहुत छोटी रखेगी और उसमें डीएनए तो सिंथेसाइज होगा लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सिंथेसाइज नहीं होगा इसलिए जो भी डॉटर सेल्स क्लीवेज के दौरान बनती हैं यानी एक से दो दो से चार वो हमेशा नंबर्स में इंक्रीज होती जाती हैं लेकिन उनकी जो वॉल्यूम होती है उनकी जो साइज़ होती है वो हमेशा रिड्यूस होती जाती है आपको अगर और अच्छे से समझना है कि माइटोसिस और क्लीवेज में क्या डिफरेंस होता है तो आप मेरा एक सेपरेट लेक्चर देख सकते हैं जिसका टाइटल है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड क्लीवेज डिवीजन फिलहाल हम इतना समझ चुके हैं कि जो जाइगोट होगा वो अपना स्पेसिफिक माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट करेगा जिसको हम क्लीवेज कह रहे हैं और इस तरीके से जाइगोट जो है वो क्लीवेज करता हुआ ओवीडक्ट में मूव करता रहेगा और जो सेल्स बनती जाएंगी इसके क्लीवेज से उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक बहुत सुंदर एक बहुत प्रॉपर एक फ्लो डाइग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूँ सबसे पहले हम कंसिडर्ड करते हैं कि दिस इज द जीरो टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ उस समय हम देखेंगे हमें जो जाइकोट मिलेगा वो डिप्लॉयड होगा इसको आप जाइकोट कह सकते हैं जो आपको अंदर एक ब्लू कलर की सेल दिख रही है जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं और उसके सराउंडेड जो ब्लैक कलर की आपको एक नॉन सेल्युलर लेयर दिख रही है डेट इज द जोना पेल्यूसिडा तो आपको यह भी याद रखना है कि अभी भी जो है वो जोना पेल्यूसिडा की प्रेजेंस है जैसे कि हम जानते हैं कि जब ओवम रिलीज होता है फ्रॉम ओबरी और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब उसमें माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है तो उस समय तक ओवम के सराउंडेड थ्री डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो ओवम को घेरे होती हैं चारों तरफ से जैसे कि विटिलाइन मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा कोरोना रेडिएटा लेकिन इस समय जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो जाइकोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा और उसके सराउंडेड अब एक लेयर प्रेजेंट होगी वो होगी जोना पेल्यूसिडा जो अभी भी जाइगोट को चारों तरफ से घेरे हुए है आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद यानी कि 30 घंटे बाद एक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा जिसको हम फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन बोलेंगे और जो जोना पैल्यूसिडा के अंदर एक सेल थी जाइगोड अब वो डिवाइड होकर क्लीवेज करके दो डिफरेंट ब्लास्टोमियर में ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जोना पैलोसडा के अंदर अब एक की जगह कितनी सेल्स हो चुकी हैं दो तो जब भी जाइगोड अपने क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट करता है तो जो भी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं तो रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो है वो जो भी डॉटर सेल्स उनको हम यहां पर नाम क्या देते हैं ब्लास्टो मीयर्स तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ब्लास्टोमियर कौन सी चीज़ है ब्लास्टोमियर मतलब रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जैसे ही क्लीवेज कंप्लीट होगा जो डॉटर सेल्स बनेंगी दो आगे चार फिर आठ फिर सोलह उनको आप नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर से रिप्रेजेंट करते हैं आप देखेंगे कि नेक्स्ट थर्टी आवर्स बाद मतलब कि फर्टिलाइजेशन से देखा जाए तो साठ घंटे बाद और अगर फर्स्ट क्लीवेज से देखा जाए तो नेक्स्ट थर्टी आवर्स बाद यानी तीस घंटे बाद आप देखेंगे सेकेंड क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट होगा और सेकेंड क्लीवेज डिवीजन के कंप्लीट होने से अब आप देखेंगे जोना पैल्यूसीडा के लेयर के अंदर दो से कितनी चार ब्लास्टोमियर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से एक्सपोनेंशियली प्रोसेस चलती रहेगी और आप देखेंगे चार से आठ ब्लास्टोमियर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम ईच स्टेप में प्रत्येक स्टेप में जब क्लीवेज डिवीजन हो रहा है उसको हम सिक्वेंशली फर्स्ट क्लीवेज कहते हैं सेकंड क्लीवेज कहते हैं थर्ड क्लीवेज कहते हैं और हर क्लीवेज डिवीजन की वजह से जोना पेलुसिडा के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली क्या करती जा रही हैं ग्रो करती जा रही हैं ड्यूरेशन को लेकर मैं बात करूं तो देखिए शुरू में पहला और सेकंड क्लीवेज डिवीजन का ड्यूरेशन आपको याद रखना है आफ्टर थर्टी आवर्स है ना फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद होता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट और फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन से अगर टाइम को काउंट करें तो सेकेंड क्लीवेज डिवीजन के बीच का ड्यूरेशन 30 घंटे और ऐड हो जाता है तो फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन 60 घंटे लेकिन अगर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन से बात की जाए तो आफ्टर 30 आवर्स तो 30 में 30 आप ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 60 घंटे यहां पर अब आप देखेंगे इसी प्रकार से थर्ड क्लीवेज डिवीजन के बाद फोर्थ क्लीवेज डिवीजन भी होता है और फोर्थ क्लीवेज डिवीजन से सेल्स जो होंगी ब्लास्टोमियर्स वो ज़ोना पेलुसिडा के अंदर अगेन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी और नंबर में कितनी हो जाएंगी 16 तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमने अभी तक की जो जर्नी है उसमें देखा कि जायगोट है उसने फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट किया तो दो ब्लास्टोमियर्स बनी अब दो ब्लास्टोमियर्स जो हैं उन्होंने अगेन क्लीवेज डिवीजन किया सेकंड तो चार ब्लास्टोमियर्स बनी अगेन हुआ फोर्थ क्लीवेज डिवीजन तो एट ब्लास्टोमियर्स बनी और अगेन हुआ फिफ्थ क्लीवेज डिवीजन तो सोलह ब्लास्टोमियर्स बनी तो हमारे एनसीआर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमें ये बिल्कुल याद रखना होगा कि आफ्टर आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ देखिए फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न हुआ दो ब्लास्टोमियर बनी सेकेंड क्लीवेज हुआ चार बनी उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्लीवेज डिवीज़न होना है तो आठ बनी और फिर उसके बाद होना है यहाँ पर फोर्थ क्लीवेज डिवीजन तो कितनी बन जाएंगी सोलह तो ये फर्स्ट क्लीवेज है ये सेकेंड है ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू हम याद रखें, तो आफ्टर आफ्टर थर्ड थर्ड एंड फोर्थ क्लीवेज क्लीवेज डिवीजन। डिवीजन जब हो रहा है, देखिए तो तो आप देख रहे हैं जोना पेलोसिडा के अंदर आपको ब्लास्टोमियर सेल्स कितनी मिल रही है? सोल है। इस सोलह से तो आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ क्लिवेज डिवीजन जो भी हमें एम्ब्रियो मिलता है या तो एट ब्लास्टोमियर वाला या सोलह ब्लास्टोमियर वाला उसको हम नाम देते हैं ओके? Okay? तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मॉर्यूला क्या है तो आपका बड़ा सिंपल आंसर होगा द एम्ब्रियो विद एट टू सिक्सटीन ब्लास्टोमियर्स आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ इज कॉल्ड मॉर्यूला कभी क्वेश्चन अगर आता है कि

मॉर्यूला कहते हैं ठीक है ना तो आपको बता देता हूं मैं आगे कि जैसे ही मॉर्यूला का फॉर्मेशन होता है आप स्पेसिफिकली अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को देखेंगे जो मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा तो आफ्टर थर्ड क्लीवेज डिवीजन आफ्टर थर्ड क्लीवेज डिवीजन जो एट ब्लास्टोमियर स्टेज आपको देखने को मिल रही है ये एक्चुअली में वो स्टेज है आफ्टर थर्ड क्लीवेज डिवीजन एट ब्लास्टोमियर स्टेज जबकि एम्ब्रियो जो होता है वो ओविडक्ट से डिसेंड करता है और यूट्रस में आ जाता है यानी कि ओविडक्ट से जिस समय एम्ब्रियो डिसेंड कर ओवीडक्ट में आता है उस समय एक्चुअली उसमें कितने ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं तो आपका आंसर होगा एट ब्लास्टोमियर और जैसे ही वो डिसेंड करके यूटरस में आता है आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट ये ड्यूरेशन चार से छः दिन का होता है क्योंकि आठ दिन तक का समय लग सकता है फाइनल इम्प्लांटेशन होने में आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो चार से छः दिन के ड्यूरेशन में आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के चार से छः दिन बाद ओविडक्ट से मॉर्यूला जो है एट सेल ब्लास्टोमियर स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल मॉर्यूला कह सकते हैं वो डिसेंड होता है फ्रॉम द ओविडक्ट और कहाँ पर आ जाता है वो यूट्रस में आ जाता है और इस समय ही उसमें से उसके चारों तरफ जो जोना पैल्युसिडा है वो पूरी तरह से डिटैच हो जाती है तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही ब्लास्टोमियर सोलह होंगे एम्ब्रियो के पास उसकी जोना पैल्युसिडा जो है वो चारों तरफ से डिटैच हो जाएगी पूरी तरह से और इसके बाद हम देखेंगे कि जो मॉर्यूला है उसमें जितनी भी ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अपना अरेंजमेंट करती हैं कि मोर्यूला गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू ब्लास्टोसिस्ट तो वॉट आर डिफ्रेंसेज बिटवीन मोर्यूला एंड ब्लास्टोसिस्ट तो आप कहेंगे एट से सिक्सटीन ब्लास्टोमियर रखने वाला एम्ब्रियो आफ्टर थर्ड या फोर्थ क्लीवेज डिवीजन हमें जो मिलता है वो मॉर्यूला है और मॉर्यूला में जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो कुछ स्पेसिफिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर देती हैं कुछ इस तरीके से कि जो स्ट्रक्चर हमें ऑप्टेन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट है तो अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि मॉर्यूला से ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के दौरान जो भी चेंजेज आते हैं यानी ब्लास्टोसिस्ट जो एक स्ट्रक्चर आपको ऑप्टेन होता है उसमें एक्चुअली किस तरीके से सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो देखिए ऐसी सेल्स जो पेरीफेरल प्रेजेंट है इनको हम कह सकते हैं कि ये पेरीफेरल सेल्स हैं मॉरूला में जो सेल्स थी अब उनने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया कि जो सेल्स पेरीफेरली ऑर्गेनाइज हो जाती हैं पेरीफेरल पेरीफेरल ऑर्गेनाइज हो जाती हैं इस तरीके से उनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कह देते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो याद रखिए द पेरीफेरल सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज तो इनको मैं नाम क्या दे देता हूँ सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ ट्रोफोब्लास्ट तो ये जो पेरीफेरली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैं इनको हम ट्रोफोब्लास्ट नाम दे देते हैं एक चीज अब आप देखेंगे कुछ सेल्स जो होती हैं ब्लास्टोसिस्ट में वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर इनर साइड पर एक मास के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं ये तो आप इन सेल्स को देखेंगे ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर के अंदर मास ऑफ सेल्स जो आपको देख रहा देखने को मिल रहा है इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट इनको हम नाम दे सकते हैं इनर सेल मास तो ब्लास्टोसिस्ट में ये सेल्स क्या है इनर सेल मास आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो इनर मास की सेल्स हैं बेसिकली यही सेल्स फाइनली गिव राइज़ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो क्योंकि जो इनर मास की सेल्स हैं इन्हीं सेल्स को हम कहेंगे आगे चल के कि ये तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेंगी एक्टोडर्म एंडोडर्म, एंडोडर्म एंड उनके बीच में मीजोडर्म जो कि फाइनली एक एम्ब्रियो में सभी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगी और इनर मास में स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कॉन्टीन्यूसली अपना डिवीज़न कर सकती हैं एंड दे गेट कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट इन टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गन और टिश्यू सेल्स तो इनर मास के पास दो डिफरेंट कैटेगरीज की सेल होती हैं एक ऐसी सेल्स जो कि एक्टो एंडो और मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन कर सकती हैं और कुछ सेल्स जिनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं जो कंटिन्यूसली अपना डिवीजन करती हैं और सेल की पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती हैं देन ये जिन भी टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होना चाहें हो सकती हैं आप देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के अलावा जो ब्लास्टोसिस्ट में एक खाली स्पेस आपको दिखाई देगा कुछ फ्लूड फिल्ड स्पेस टाइप का उसको हम जनरली ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं तो इसको मैंने नाम दे दिया ब्लास्टोसील कैबिटी तो आई थिंक आपको ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं जो ब्लास्टोसिस्ट में देखने को मिलते हैं ट्रोफोब्लास्ट इनर सेलमास और ब्लास्टोसील कैबिटी ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपको मैं कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारी एन में नहीं है लेकिन वो पास्ट ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछी जा चुकी हैं आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी सेल्स ऐसी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो ओवरलाइज करती हैं इनर मास को देखिए ये कुछ ऐसी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जिनको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ जो इनर मास को चारों तरफ से सराउंड किए हुए वैसे तो ट्रोफोब्लास्ट पूरे ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड किए हुए हैं लेकिन इनर मास के चारों तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से इस तरीके से कलर्ड कर रखा है तो ऐसी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो ओवरलाइज कर रही हैं इनर सेल मास को उनको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और उनका नाम है सेल्स ऑफ रॉबर तो सेल्स ऑफ रॉबर क्या है तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है सेल्स ऑफ रॉबर ऐसी से ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो ओवरलाइज कर रही हैं किसको इनर सेल मास को अब इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है आपको जब आगे की प्रोसीजर मालूम चलेगी यानी कि जब आप पढ़ेंगे अबाउट द प्रेगनेंसी तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इनर सेल मास को लाइन नहीं कर रही हैं मतलब ये वाली वो अपने सरफेस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती हैं और आगे चलकर इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कोरियोनिक विलाई कहेंगे तो कभी भी याद रखिए आपके ऐसी फॉर्मेशन कर रही हैं वो सेल्स ऑफ रोवर नहीं है सेल्स सेल्स ऑफ रोवर वो हैं हैं जो कि लेकिन वो अंडरलाइज ओवरलाइज कर रही हैं किसको इनर सेल मास को इन सेल्स का सबसे बड़ा जो यूज है वो ये है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो उस समय फीटस के चारों तरफ जो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक मैंम्ब्रेन बनती हैं जो फीटस को नरिश और प्रोटेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो सेल्स ऑफ रोवर का मैन फंक्शन है कि दे ओवरलाइज द इनर सेल मास एंड दे आर टाइप ऑफ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो आगे चलकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी तो आपको बता देता हूं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि जो सेल्स ऑफ रोवर इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दी सेल्स आर अ थिन लेयर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, जैसा कि मैंने बोला डेट ओवरलाइज द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ओके इन द अर्ली मैमिलियन एम्ब्रियो एंड इनका फंक्शन क्या है तो आप देख सकते हैं इनका फंक्शन है इट रिमेन्स एक्सटर्नल टू द एम्ब्रियो एंड गिव्स राइज टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रस जिनको हम क्या नाम दे सकते हैं कोरियोन एंड एमनियोन फॉर द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो तो जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे फीटस का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से जब फीटस का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा तो फीटस को चारों तरफ से कवर्ड करने वाली जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी उसको हम एमनियन कहेंगे और एमनियॉन के बाद आप देखेंगे सबसे आउटर मोस्ट जो मैंम्ब्रेन होगी जो फीटस को कवर करेगी उसको हम कोरियोन कहेंगे तो फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक मैम्ब्रेन होती हैं योक्सैक भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैंम्ब्रेन माना गया है एमनियन कोरियोन है ना एटन एटलाइस ऐसे करके चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैंब्रेन होती हैं लेकिन दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि एक इनर मोस्ट जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एमनीओन और एक आउटर मोस्ट जिसको नाम दे रहा हूं अभी फिलहाल इनके नाम आपको याद रखना है ये दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है किससे होता है तो सेल्स ऑफ रोवर से होता है ये इन सेल्स का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब आप देख चुके हैं कि ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो सराउंडेड कर रही हैं किसको ब्लास्टोसिस्ट को अंदर जो सेल का एक मास है उसको आप कह रहे हैं इनर सेल मास जिससे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनर सेल मास में जो सेल्स से हैं उनसे ही होगा बिकॉज दे गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म ठीक है ना उसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमैट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो तो ये आप कंसीडर करिए कि ये स्ट्रक्चर जो है इस डायग्राम को ध्यान से देखिए ये एनिमेशन जो मेरे बैक में चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो फाइनली क्या करती हैं एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाती हैं और जैसे ही अटैचमेंट होता है आप देखेंगे इमीडिएटली जो इनर सेल मास की सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होना स्टार्ट कर देती है इंटू एम्ब्रियो यानी कि उनसे ऑर्गन्स का या टिश्यूज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट तो यूटराइन एंडोमैट्रियम लेयर जहां पर कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है उस जगह पर जहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है आप देखेंगे वहाँ पर ये सेल्स इस तरीके से यहाँ दिखाया जा रहा है जहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल की सेल्स हैं वो रैपिडली अपने आप को डिवाइड करती हैं और इस तरीके से डिवाइड करती हैं कि वो इस ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर पूरी तरह से सराउंडेड कर सकें या उसको पूरी तरह से ढक सकें इस तरीके से आप देखेंगे कि फाइनली क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो ब्लास्टोसिस्ट हैं वो बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जैसे ही यूट्राइन वॉल की सेल्स डिवाइड होंगी वो एम्बेडेड कर लेंगी चारों तरफ से ब्लास्टोसिस्ट को और इस प्रोसेस को ही जब से जो अपन पढ़ रहे हैं उसको नाम दिया गया है इम्प्लांटेशन तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया इम्प्लांटेशन क्या है मैं जल्दी से एक बार फिर से शॉर्ट समरी आपको दे रहा हूं सबसे पहले जाइगोट बनेगा जाइगोड क्या करेगा अपना फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन करेगा दो ब्लास्टोमियर बनेंगी फिर उसके बाद फिर वो सेकेंड क्लीवेज करेगा चार ब्लास्टोमियर बनेंगी फिर वो अपना थर्ड क्लीवेज करेगा एट ब्लास्टोमियर बनेंगी फिर वो अपना फोर्थ क्लीवेज करेगा सिक्सटीन ब्लास्टोमियर्स बनेंगी हालांकि अभी भी क्लीवेज आगे चलते रहते हैं लेकिन एट और सिक्सटीन ब्लास्टोमियर स्टेज में जो एम्ब्रियो है उसको हम मॉर्यूला नाम देते हैं एट ब्लास्टोमियर स्टेज जब हो चुकी होगी कंप्लीट तो जो एम्ब्रियो है या फीटस है वो डिसेंड करेगा फ्रॉम द ओविडक्ट टू यूट्रस और उस दौरान ही आप देखेंगे कि जो जोना पैल्युसिडा है वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगी और जब वो 16 ब्लास्टोमियर स्टेज तक पहुंचेगा तब तक आप देखेंगे पूरी तरह से जोना पैल्युसिडा जो है वो डिटैच हो चुकी होगी जब भी क्लीवेज डिवीजनस होते हैं तो जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली नंबर में इंक्रीज हो रही होती हैं लेकिन उनकी साइज जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लीवेज डिवीजन क्योंकि क्लीवेज डिवीजन में साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन तो पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में इक्वली हो रहा है लेकिन पेरेंटल सेल्स आइटोप्लाजमिक मटेरियल को अपनी इंटरफेस स्टेज में सिंथेसाइज नहीं कर रही हैं इसी वजह से जोना पैल्यूसिडा के अंदर जो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर सेल्स इंक्रीज़ होती जाती हैं उनके इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होती क्योंकि सेल्स जो हैं वो नंबर में इंक्रीज़ होने के साथ साथ वॉल्यूम और साइज़ में डिक्रीज़ होती चली जाती हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे मॉर्यूला का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा फाइनली ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्पेसिफिक है जो पेरीफेरल ऑर्गेनाइज है सेल्स उनको ट्रोफोब्लास्ट कहा गया जो अंदर एक इनर मास के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है वो इनर सेल मास है जो कि एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी इन्हीं से एम्ब्रियो के सभी बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा एक अंदर फिल्ड कैबिटी होती है जिसको ब्लास्टोसील कैबिटी कहते हैं जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट ओवरलाइज करती हैं इनर सेल मास को उनको सेल्स ऑफ रॉवर कहते हैं और सेल्स ऑफ रॉवर जो है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अगर देखी जाए तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक मेम्ब्रन लाइक कोरियोन और एम्नियन का फॉर्मेशन करती हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट और नरिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो वहाँ की अपना डिवीज़न करती हैं इस तरीके से कि वो इस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से एम्बेडेड या घेर लेती हैं कवर्ड कर लेती हैं इमीडिएटली जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास की सेल्स हैं वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन जैसे ही किसी फीमेल में हो जाता है डेवलपिंग फीटस का उस फीमेल को अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी है फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रेगनेंसी नहीं माना जा सकता हालांकि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट आगे चलकर प्रेगनेंसी है लेकिन फाइनली किसी फीमेल को आप तभी कंसीडर कर पाएंगे जब उसमें ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन सक्सेसफुली हो चुका होगा अब हम आते हैं एनसीआरटी पर और एनसीआरटी में आप देखेंगे ये एक डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम में हमें बहुत ही केयरफुली इसको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ई e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एफ भी है एंड जी का मतलब क्या है तो मैं यहां पर इन सभी चीजों के नाम भी बताता हूं और डिफरेंट इन सीक्वेंशियल स्टेजेस को भी समझाने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये ओवरी है ये हम पहले से जानते हैं ओवरी के अंदर आप ये कंसीडर करिए कि ये एक टर्सरी फॉलिकल्स है जो फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड किसमें हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स में अब ग्राफियन फॉलिकल्स ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या हो जाता है रपच्चर्ड तो ये रबचर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है इतना समझ में आ गया हमें अब हम आगे बढ़ते हैं अब आप देखेंगे जैसी रपच्चरिंग होती है ग्राफियन फॉलिकल्स की तो ए क्या है ये ए क्या है तो आप देख रहे हैं ए का मतलब होगा रिलीज ओवम ग्राफियन फॉलिकल के रबचड़ होने पर जो रिलीज होता है ओवम वो यहां पर दिखाया जा रहा है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और जो लिटरली क्या है तो आप कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रिलीजिंग ओवम जो होता है वो एक्चुअली में मैच्योर ओवम नहीं होता है डेवलपिंग ओवम होता है जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं जिसमें कि मेटाफेज टू स्टेज में म्यूसिस टू अरेस्टेड फॉर्म में चल रही होती है इसके सराउंडेड थ्री डिफरेंट लेयर्स होती हैं जोना पैलुसिडा कोरोना रेडिएटा विटिलाइन मेम्रेन अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये सेकेंडरी ओसाइट मूव करके फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर पहुँचता है एम्पुलरी रीजन में तो इस पार्ट को हम एम्प्यूला मान लेते हैं और एम्पुलरी रीजन में आप देखेंगे जैसे ही ओवम पहुंचेगा साइमल्टेनियसली वजाइना सर्विक्स और यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के इन इस्तमस रीजन से मूव करता हुआ एम्पुला में कौन पहुंचेंगे स्पर्म तो बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेट इज़ फर्टिलाइजेशन तो बी का मतलब क्या है यहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम क्योंकि स्पर्म एम्पुलर रीजन में पहुंचेंगे और वो ओवम को क्या करेंगे फर्टिलाइज तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अब हम बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और सी में आप देख रहे हैं यहां पर दो सेल्स आपको दिख रही हैं जोना पैलोसिडा की कवरिंग के अंदर तो दिस इज द टू ब्लास्टोमियर स्टेज इसको हम क्या कहेंगे टू ब्लास्टोमियर स्टेज यानी कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन क्या हो गया कंप्लीट अब डी में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको आगे मूव करता हुआ इसमें चार ब्लास्टोमियर सेल्स दिखेंगी ये देख सकते हैं डी तो ये फोर ब्लास्टोमियर स्टेज कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे ई यानी ओवीडक्ट का जो इस्तेमस रीजन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और डिसेंट करने वाला है एम्ब्रियो इंटू यूट्रस तो जो ई e है उसमें आपको टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ब्लास्टोमियर दिख रही हैं तो इसको आप नाम दे देंगे एट ब्लास्टोमियर स्टेज एंड एट ब्लास्टोमियर स्टेज कितने क्लीवेज डिवीज़न के बाद आती है तो आपका आंसर होगा थ्री क्लीवेज डिवीज़न अब हमने पढ़ा है कि एट और सिक्सटीन ब्लास्टोमियर स्टेज को हम क्या कह सकते हैं मॉर्यूला तो इस स्ट्रक्चर को आप डेफिनेटली मॉर्यूला कह सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जो मॉर्यूला है एट साल ब्लास्टोमियर स्टेज वाला वो डिसेंट करके कहां गिर रहा है यूट्रस में तो एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप कहेंगे सिक्सटीन ब्लास्टोमियर स्टेज लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि 8 और 16 दोनों मॉर्यूला है तो इसको भी आप मॉर्यूला कह सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर आप देखते हैं कि एफ जब डिसेंट होकर यूट्रस में आ जाता है तो जोना पैल्यूसीडा पूरी तरह से क्या हो जाएगी डिटैच ये जोना पैल्यूसिडा की लेयर है वो डिटैच हो जाएगी और अब जो है वो मॉर्यूला का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा ब्लास्टोसिस्ट में तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भाई यहां पर जो जी है वो ब्लास्टोसिस्ट है तो लिखा हुआ है जी ब्लास्टोसिस्ट है उसमें आउटर मोस्ट पेरीफिरल जो सेल्स हैं वो क्या है ट्रोफोब्लास्ट फिर ये सेल्स क्या है आईसीएस यानी इनर सेलमास इनर सेलमास को ओवरलाइज करने वाली सेल्स कौन सी हैं रॉवर सेल्स और अंदर जो फिल्ड स्पेस दिख रहा है डेट इज ब्लास्टोसील और आप देख रहे हैं अब एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर एच में आप देख रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो है उसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो अटैच हो जाती हैं किससे यूट्राइन वॉल से तो एच का मतलब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन यानी कि ये स्टेप को हम बोल सकते हैं डेट इज इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट तो अब मुझे लगता है कि आपको इस डायग्राम से रिलेटेड सभी कंसेप्ट जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं तो ये आपको याद रखना है अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं जो आपको हमेशा डाउट्स रहते हैं जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहली चीज आप याद रखिए कि ऑल क्लीवेज डिवीजन आर माइटोटिक जितने भी क्लीवेज डिवीजन हो रहे हैं फ्रॉम जाइगो टू मॉर्यूला वो सभी के सभी डिवीजन डेफिनेटली माइटोटिक हैं और उनसे जो सेल्स बन रही हैं वो डॉटर सेल्स हैं और उनको आप नाम दे देते हैं ब्लास्टोमियर लेकिन जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, टू, तक वो सभी के सभी के माइटोटिक डिवीजन को आप स्पेशल टर्म देते हैं क्लीवेज रिड्यूज हो रही है सेल्स की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज नो ग्रोथ इन द रिजल्टिंग एंड द टोटल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो रिमेन्स द सेम बिकॉज इन क्लीवेज डिविजन्स इंटरफेज इज विदाउट सेल ग्रोथ और साइटोप्लाजम फेज। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे जैसे, जैसे ये जाइगोट एक सेल थी इससे दो सेल्स बनेंगी तो उनकी साइज क्या हो जाएगी छोटी उनसे चार सेल्स बनेंगी तो उनकी साइज और छोटी उनसे आठ सेल्स तो साइज और छोटी आठ साल से सोलह साल तो साइज और छोटी तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही हैं साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होती जा रही है रिड्यूस्ड होती जा रही है है उसका कारण यह कि जितना साइटोप्लाज्म जाइोड के पास था वही आगे चलकर दो फिर चार फिर आठ फिर सोलह में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है हर क्लीवेज डिवीजन के पहले इंटरफेस बहुत शॉर्ट फेज होती है और उसमें कभी भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का ग्रोथ या कह सकते हैं डबलिंग नहीं होती है न्यूक्लियर मटेरियल डेफिनेटली डबल्ड होता है तभी जाकर डॉटर सेल्स जो है वो डिप्लॉइड बनती हैं डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो नहीं होती है तो हमने हमेशा पढ़ा है जब हम सेल बायोलॉजी के कंसेप्ट पढ़ते हैं जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पर एकदम साफ लिखा रहता है कि जो डिवीजन है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल का भी रेप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है यानी डिवीजन से पहले रेप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल होना बहुत जरूरी है एंड साइटोप्लाज्म ग्रोथ इन सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का भी सेल्स के अंदर डबल होना बहुत जरूरी है बिफोर द डिवीजन और हम उस फेस को जिसमें कि सेल्स अपने आप को जस्ट सिंथेसाइज करके डबल करती है अपने न्यूक्लियर मटीरियल को अपने साइटोप्लास्मिक मटीरियल को हम उसको इंटरफेस कहते हैं लेकिन ड्यूरिंग द क्लीवेज जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है उससे पहले जो इंटरफेस कंप्लीट हो रही है उसमें जेनेटिक मटेरियल तो रेप्लीकेट होकर डबल हो रहा है डैट्स वाई कि जो ब्लास्टोमियर्स है उनको न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो पेरेंट के इक्वल ऑप्टन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं हो रही है इस वजह से जो पेरेंट है उनके कॉम्पेरिजन में डॉटर्स के पास साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट क्या होता है कम या हाफ और यही रीजन है कि जैसे जैसे डिवीजन होता रहेगा क्लीवेज होता रहेगा नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज होती रहेंगी लेकिन उनकी साइज जो है वो रिड्यूज होती जाएगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है ड्यूरिंग क्लीवेज द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन बढ़ते आएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप देखेंगे साइज ऑफ ब्लास्टोमियर जो है वो डिक्रीज होगी एज देयर इज नो ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोमियर्स यानी कि ब्लास्टोमियर्स की साइज में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी इवन वो डिक्रीज होती चली जाएंगी जोना पैल्युसेडा रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द क्लीवेश डिवीजन तो चार क्लीवेश डिवीजन कंप्लीट होने तक जोना पैल्युसेडा है वो कही कहीं ना कहीं कवर्ड किए होती है ब्लास्टोमियर सेल्स की पॉपुलेशन को लेकिन जैसे ही चारों क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट होते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा जो एक आउटर मोस्ट नॉन सेलुलर लेयर है जो ब्लास्टोमियर को कवर किए होती है वो पूरी तरह से डिटैच हो जाती है रिमूव्ड हो जाती है और अब जो आपके पास ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो तुरंत इमीडिएटली गेट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट एंड फाइनली ब्लास्टोसिस्ट जो है उसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अटैच टू द यूट्राइन वॉल एंड यूट्राइन वॉल की वो सेल्स इमीडिएटली डिवाइड होकर पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट को कवर्ड कर लेती है इनर सेल मास की सेल्स एम्ब्रियो में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देती हैं और यहीं से प्रेगनेंसी को कंसीव कंसीडर्ड करना हम स्टार्ट कर देते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जो नाइन मंथ के गैस्ट्रेशन पीरियड में कंप्लीट होने के बाद एक हेल्दी चाइल्ड का न्यूबॉर्न का बर्थ हो जाता है तो यहां तक की जो भी प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस की आई होप कि आपको इस वीडियो इम्प्लांटेशन के सभी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझ में आए होंगे आगे हम बात करेंगे अबाउट द प्रेगनेंसी तो मेरा अगला लेक्चर देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को पसंद करने पर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच